हेलो दोस्तों, अब आ रहा है बर्गर किंग का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, लॉन्च होने वाला है, दिसंबर का पहला आईपीओ होने वाला है। तो इसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है, तो वो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो कंपनी के बारे में हम जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के आईपीओ की पूरी डिटेल्स है, कंपेरिजन विथ पीयर्स। देखिए लिस्टेड स्पेस में कौन कौन पीयर है और कौन इसके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पीयर है, सबका हम यहाँ पर जो है एनालिसिस करेंगे। कंपिटेटिव स्ट्रेंथ जानेंगे जो है कंपनी की, बर्गर किंग की, और इसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज की डेट में, और क्या कंक्लूजन होना चाहिए। देखिए इन्वेस्ट करना है या बर्गर खाना है, तो वो हम आप लास्ट में बताएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और जो है थॉरो रिसर्च किसी भी आईपीओ के बारे में मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बर्गर किंग इज़ द इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन। तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया था, और अब जो है दोस्तों इनके काफ़ी ज़्यादा जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स हैं इंडिया में, और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड विद हैविंग 216 बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स एंड 8 सब फ्रेंचाइज बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स। और सबसे स्ट्रेंथ इसकी यही है दोस्तों, इट हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट टू एस्टेब्लिश, डेवलप एंड ऑपरेट बर्गर किंग ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। तो जो है इसके पास मास्टर फ्रेंचाइज है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो कोई ऑपरेट नहीं कर सकता बर्गर किंग ब्रांड के नाम से रेस्टोरेंट्स। देखिए इट एम्स टू केटर टू द इंडियन टेस्ट एंड प्रेफरेंस थ्रू एडिंग न्यू फूड ऑफरिंग्स टू इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो बेसिकली देखिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, ये सब कंपनी जो है बनाती है, और ये जो है स्पेसिफिकली मिलेनियल्स को दोस्तों टारगेट करती है। तो वहाँ पर जो है इनकी जो है प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है चलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ द न्यू कंपनी ओन्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पर जो है कंपनी नए हो बर्गर किंग के रेस्टोरेंट्स ओपन करना चाह रही है, और टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़। तो ये हैं ऑब्जेक्ट इशू के। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फाइनेंशियल्स देखते हैं कंपनी के। तो फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो टोटल एसेट आप देखिए जो है 730 करोड़ थे मार्च 2018 में, फिर बढ़ के हुए 920 करोड़, फिर हुए ऑलमोस्ट 1200 करोड़, फिर यहाँ पर थोड़े से कम हुए सितंबर 2019 में, और सितंबर 2020 में जो है फिर से बढ़ गए। तो टोटल एसेट्स में अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है कंपनी के, और रेवेन्यू में आप देखिए तो 388 करोड़ से बढ़ के सीधा 644 करोड़। तो यहाँ पर जो है ज़बरदस्त रेवेन्यू, प्रॉफिट रेवेन्यू है जो ज़बरदस्त यहाँ पर CAGR जो है जंप हुआ है, देखिए सीधा डबल हो गया है। तो आप समझ मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 50% यहाँ पर CAGR रेवेन्यू में जंप था। फिर देखिए अच्छा खासा जंप फिर से 846 करोड़, फिर यहाँ पर देखिए 425 करोड़। तो यहाँ पर जो है सितंबर 2019 में थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ, और यहाँ पर जो है सितंबर 2020 में 151 करोड़। तो रेवेन्यू यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों कम हुआ है सितंबर 20 में, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ब्रैकेट में दिख रहे हैं, इसका मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर देखिए 82 करोड़ था 2018 में, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ, हालांकि लॉस इनका रिकवर हुआ एक साल में, 82 करोड़ से 38 करोड़ के लॉस पे थे। फिर यहाँ पर मार्च 2020 में फिर बढ़ा 76 करोड़, फिर उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर जो है प्रॉफिट पोस्ट किया, तो इनका लॉस कम हुआ 17 करोड़, और अब देखिए सितंबर 2020 में 1 करोड़ के आसपास। तो कंपनी दोस्तों रिकवरी कर रही है, हालांकि स्टिल इट इज़ अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट यहाँ पर जो है प्रॉफिट में कंपनी प्रॉफिट में आ रही है धीरे धीरे। तो ये हमको आगे आने वाले स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। देखिए अर्निंग पर शेयर 4 का है सितंबर 2020 में। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल्स, और कंपनी की आईपीओ डिटेल्स देखिए 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है दोस्तों, 4 को क्लोजिंग हो जाएगी, तो इशू ओपन होगा 2 को, आप बिडिंग चालू कर पाएंगे 2 से, और 4 को है लास्ट बिडिंग डेट। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, मतलब मिक्स ऑफ एन इशू है, तो ये फ्रेश इशू होगा। टोटल देखिए 810 करोड़ का है, फ्रेश इशू होगा 450 करोड़, ऑफर फॉर सेल होगा 360 करोड़, और 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है, और आईपीओ प्राइस है, प्राइस बैंड है 59 to 60। तो 60 पे हमको अप्लाई करना है अगर ओवर सब्सक्राइब होता है, तो अगर करना है तो ये हम अभी तो एनालिसिस करेंगे कि हमको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, तो वीडियो के साथ बने रहिए। मार्केट लॉट है 250 शेयर का, लिस्टिंग होगी BSE NSE पे। तो देखिए बिड ऑफर ओपन्स ऑन 2nd, क्लोजेज ऑन 4th, अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा 9 तारीख को, 9 दिसंबर को रिफंड्स आ जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं आया तो 10 को, मतलब 10 से चालू हो जाएंगे रिफंड्स आना, और अगर अलॉटमेंट आया तो क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स आपके डीमैट में 11 को, और लिस्टिंग डेट है 14 को। तो देखिए बर्गर किंग की लॉट साइज और प्राइस देख लेते हैं। तो मिनिमम 1 लॉट के लिए 250 शेयर आपको लेने पड़ेंगे, जिसकी रकम होगी 15,000, और मैक्सिमम 13 लॉट आप ले सकते हैं, 3,250 शेयर्स, तो उसकी जो प्राइस होगी 1,95,000 आपके जो है बैंक अकाउंट में होने चाहिए। तो ये थी आईपीओ की प्राइस डिटेल। अब बात करें देखिए पीयर्स के साथ, तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं लिस्टेड स्पेस में इसके कौन पीयर्स है। देखिए लिस्टेड स्पेस में इसके दो जो हैं
पीयर्स होंगे, कंपेटिटर्स होंगे, वो होगा एक वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो कि दोस्तों आपको पता होगा हार्ड कैसल रेस्टोरेंट को ओन करती है, और हार्ड कैसल रेस्टोरेंट जो है मास्टर फ्रेंचाइजीज है मैकडोनल्ड की। जी हाँ दोस्तों, तो वेस्ट लाइफ अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट ही मैकडोनल्ड्स का यहाँ पर ओन करती है। और दूसरा है दोस्तों जुबिलियंट फूड वर्क्स, जो कि डोमिनोज के नाम से प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। तो ये दो हैं जो इसके लिस्टेड स्पेस में अभी एग्जिस्टिंगली यहाँ पर जो है लिस्टेड हैं, जुबिलियंट फूड वर्क्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। अगर हम अब बात करें बर्गर किंग की, तो यहाँ देखिए जो डोमिनोज का मार्केट शेयर है अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स भी आप देखिए सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा सिटीज़ में भी ऑपरेट करती है, 282। उसके बाद सबवे, उसके बाद मैकडोनल्ड्स, उसके बाद KFC, उसके बाद बर्गर किंग। तो बर्गर किंग दोस्तों यहाँ पर जो है अभी रिसेंटली आई है, मतलब आप 4-5 6 साल ही हुए होंगे, लेकिन जो डोमिनोज है पिछले 10-12 साल से यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पर जो है मार्केट शेयर उस हिसाब से डोमिनोज का सबसे ज़्यादा है। तो बर्गर किंग के पास हालांकि स्कोप बहुत है आगे जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। तो यहाँ से दोस्तों अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने रेस्टोरेंट चेन्स ओपन करती है इंडिया में, तो हो सकता है यहाँ पर आगे आने वाले समय में ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए। अगर हम बात करें इसके देखिए लिस्टेड स्पेस में कौन है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, तो मैकडोनल्ड्स भी दोस्तों अभी जो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो है अभी स्टिल यहाँ पर जो है नेगेटिव पैट है इसका, अगर हम पिछले 2-3 क्वार्टर में देखें। और जुबिलेंट फूड वर्क का दोस्तों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनोज अच्छी खासी यहाँ पर एक पकड़ बनाया हुआ है मार्केट में। तो ये था इसके साथ लिस्टेड स्पेस में इसके पीयर्स का कंपैरिजन। तो अगर पीयर्स की बात करें तो देखिए वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का जो है नेगेटिव में है, तो इसका एक ही बचता है मेजर कंपेटिटर, वो है जुबिलियंट। जुबिलियंट दोस्तों बहुत महंगे पीही पे चलता है, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली है इसकी। अब बर्गर किंग आ रहा है तो वो ऑलमोस्ट अराउंड देखिए 60 के शेयर प्राइस पे आ रहा है उसकी, और हम 4 भी माने EPS तो करीब करीब 15 के पीही पे आएगा दोस्तों ये। तो 15 का पीही सस्ता है, लेकिन स्टिल मैं आपको अभी बताऊँगा कि हमको करना क्या है। वैल्यूएशन वाइज तो बर्गर किंग यहाँ पर सही लग रहा है। देखिए कंपेटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट इन इंडिया, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर लॉयल्टी, वर्टिकली स्केलेबल चेन सप्लाई एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम, तो ये कुछ इसके स्ट्रेंथ्स हैं कंपनी के। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो देखिए 27 नवंबर को है ₹20 per share, तो मतलब 30% के आसपास यहाँ पर जो है आज की डेट में जो है लिस्टिंग गेन प्रीमियम मिल रहा है। तो ये अच्छा खासा प्रीमियम है दोस्तों, क्योंकि देखिए पी मेरे को लग रहा है वैल्यूएशन वाइज सही है, लेकिन स्टिल अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों इतना रहा, हमको मिलता रहा, तो हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि ग्रे मार्केट इस लिस्टिंग गेन के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों इसमें, बर्गर आप खा लीजिए बर्गर किंग का, लेकिन इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए एक बार कंपनी को प्रॉफिट में आने दीजिए, उसके बाद आप कुछ यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी कंपनी जो है नेगेटिव में ही है, प्रॉफिटेबल नहीं है, जो उसका प्रॉफिट है अभी नेगेटिव में ही चल रहा है। तो खाने के लिए अच्छा है, इन्वेस्ट करने के लिए अभी भी मैं बोलूँगा जुबिलियंट फूड वर्क्स जो है अच्छा यहाँ पर एक प्लेयर है। तो ये हुई बात IPO में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं। लिस्टिंग गेन के लिए दोस्तों अभी अगर ये GMP ये चलता रहा तो ज़रूर इसमें हम अप्लाई करेंगे, और इसका स्टेटस भी देखेंगे, सब्सक्रिप्शन कितना होता है QIB इसका, HNI इसका, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे। तो ये था दोस्तों एनालिसिस पूरा, और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जो इसका पूरा एनालिसिस है जब ये IPO ऑफर जो इसका इशू ऑफर ओपन होगा 2 को, तो उसमें भी हम यहाँ पर जो है पूरी आपको डिटेल देंगे, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है। पूरी वीडियो को जो है पूरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा एनालिसिस रहेगा IPO का, हर IPO का एनालिसिस हम करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम जो है कंटिन्यूस बेसिस पे हर IPO को कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।